सो हेलो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि WWE के पेपर व्यू मैचेस होने में बस एक दिन ही बचा है। 24 घंटे भी नहीं, बस एक दिन ही बचा है, सिर्फ एक दिन ही बचा है हमारे पास वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना लेते हैं, जिसमें मैं आपको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर व्यू मैचेस करने की। तो अब पहले मैच से मैं करूँगा, पहले मैच की शुरुआत मैं करूँगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एक्सट्रीम रूल से। सो देखेंगे कितने मैच होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा तो एक्सपोर्ट करने में फिर बाद में दिक्कत होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि दो से ज़्यादा मैच ही करूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं, पहले मैच की शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैच शुरू हो चुका है, बेल बज गई है। अरे ड्रू मैकइंटायर ने आते के साथ रिवर्सल कर दिया और एक ड्रॉप किक भी मार दी। क्या करने जा रहे हैं वो? स्वीट चिन देने जा रहे थे भाई। डॉल्फ ज़िगलर पहले एनर्जी तो कम कर ले, सीधा स्वीट चिन यार देने जा रहा था। अरे माइनस में चलने लगा, चलो फ़ायदा उठाते हैं, पहले फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा देते हैं। यार ये सभी मैचेस में मीडियम ही हेल्थ रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि जल्दी जल्दी मैच खत्म हो जाएं। मैच ज़्यादा मैच करने हैं ना मैंने, फिर एक्सपोर्ट करने में फिर दिक्कत होगी अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो, इसलिए हेल्थ मैंने मीडियम ही रखी है। चलिए डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर कमेंट्री टेबल भी तोड़ेंगे। टेबल हमने सेट कर दिया है, आ जाए डॉल्फ ज़िगलर। चलो हवा में ही डॉल्फ ज़िगलर ड्रॉप किक चलाई जा रहा है। चलो अरे अरे बैरिकेड में लग गया, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम बैरिकेड भी तोड़ देंगे। चलिए डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर बैरिकेड तोड़ दिया हमने। रिप्ले आ जा, बढ़िया सा। चलो रिप्ले भी देख लिया हमने। चलो अभी कमेंट्री टेबल तोड़ेंगे, पहले डॉल्फ ज़िगलर को खड़ा कर वहाँ पर लेकर जाते हैं। चलो अरे ये क्या, ड्रू मैकइंटायर के साथ रेफरी टकराया और रेफरी ही नीचे गिर गया। चलिए बाहर चलते हैं बैक स्टेज की तरफ, थोड़ा मजा तो ले फॉल्स काउंट एनीवेयर का। बाहर जाएंगे। अरे ये कौन आ रहा है, ये कौन आ गया? क्रिश्चियन। अरे क्रिश्चियन आ गए, क्रिश्चियन अभी बहुत मार पड़वाएंगे डॉल्फ ज़िगलर से। पीछे से डॉल्फ ज़िगलर ज़िगज़ैग ना दे दे, बस यही डर है मुझे। ज़िगज़ैग मत देना डॉल्फ ज़िगलर। अरे नहीं ज़िगज़ैग नहीं दी, रिवर्स कर दिया हमने। क्रिश्चियन अभी बहुत मार पड़वाने वाले थे। चलो जल्दी से हेडबट। क्रिश्चियन ने हमें रोक दिया, नहीं तो हम बैक स्टेज जा रहे थे। चलो अब कोई नहीं आएगा, अब हम आराम से बैक स्टेज जा सकते हैं। चलिए आ जाए डॉल्फ ज़िगलर पीछे पीछे। यार ये क्या ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? पीछे वाला डॉल्फ ज़िगलर मुझे ऑप्शन चेक करने दे, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। पता नहीं फिर ऑप्शन कौन से मैच में हम बैक स्टेज जा सकते हैं, शायद फॉल्स काउंट एनीवेयर में जा सकते थे कि पता नहीं कौन से में जा सकते थे, जा ही नहीं रहा ड्रू मैकइंटायर। चलो कोई बात नहीं, दो फिनिशर है हमारे पास, एक फ्यूचर शॉक डीडीटी दे देते हैं और एक क्लेमोर किक, फिर मैच ख़त्म कर देते हैं। पता नहीं कौन से मैच में ऑप्शन आया था, मुझे अभी याद नहीं है। चलो क्लेमोर किक डाल देते हैं जल्दी से, फिर फ्यूचर शॉक देकर मैच को यहीं एंड कर देंगे। चलिए क्लेमोर हमने डाल दी। अरे नहीं पिनफॉल नहीं करना, फ्यूचर शॉक देनी है अभी तो। चलो फ्यूचर शॉक डीटी पिनफॉल। चलिए अब ये मैच हम जीत गए, अभी बढ़ते हैं अगली मैच की तरफ, जीत गए। चलो रीप्ले अच्छे से होने चाहिए, रीप्ले दिखाई नहीं, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी रीप्ले से वीडियो ही बड़ी होनी थी। चलो ये मैच हम जीत गए। चलो दोस्तों अब अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अब हम आ गए हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो मैच होगा ब्रे वाइट वर्सेस ब्राउन स्ट्रोमन ब्रॉल मैच, क्योंकि ऑब्वियसली जो रियल एरिना है वो तो होगा नहीं 2K20 में, तो हमें ये ब्रॉल मैच ही खेलना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैच को शुरू करते हैं।
गाइस ये मैच पिनफॉल वाला नहीं है, इसमें पिनफॉल करके हम नहीं जीत सकते। जिसकी एनर्जी सबसे पहले ख़त्म हो गई, एनर्जी मैंने मीडियम ही रखी है ताकि ज़्यादा बड़ी नहीं हो वीडियो, जिसकी एनर्जी सबसे पहले ख़त्म हो गई वो हार जाएगा। इसमें नॉकआउट करना है एक दूसरे को। चलो गाइस मैच शुरू हो चुका है। यार रीना तो वैसे बढ़िया है, इतना माड़ा भी नहीं है रीना, अच्छा है वैसे। चलो मैच शुरू हो चुका है। चलो सिस्टर एरिगेल, यार एक ही फिनिशर मिली है ब्रे वाइट को, तो मैंने सोचा चलो दे ही देते हैं, एक ही फिनिशर तो है। चलो यहाँ पर कोई हथियार पड़ा है, हथौड़ा पड़ा है, जैसा ट्रिपल एच का नहीं होता वैसा, लेकिन ये इन्होंने भूत के टाइप का बनाया है इन्होंने हथौड़ा। चलो रिवर्स कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने और अपने शरीर के साथ टकरा कर, अरे यार ये वाली फिनिशर से मुझे बहुत डर लगता है। इसी के साथ ही ना ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें नॉकआउट कर दें। चलो नहीं दी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दूसरी भी, ये क्या करने जा रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, चल पीछे हो जा ब्रॉन स्ट्रोमैन, अपनी एनर्जी कम करवा अब हमसे। अरे ये क्या ब्रे वाइट है, हमें क्यों हाथ चलाई जा रहा है। वाह अच्छी थी ये स्मैक, बहुत कम एनर्जी हुई इससे ब्रॉन स्ट्रोमैन की। रिवर्स कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, हमने भी रिवर्स कर दिया। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन तुम्हें रिवर्स रिवर्स खेलना आता है तो हमें भी आता है। चल भाई इसके साथ लगा के देखते हो, जो आपके सामने पता नहीं है क्या है, भूतिया घर है क्या, क्या पता नहीं, भूतों के लिए बाथरूम है जो भी है, इसके साथ देखते हैं OMG आता है या नहीं आता। मुझे लगता था, मुझे लगा आएगा, नहीं आ गया OMG। चले देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अरे वाह मज़ा आ गया देख के, पावर बॉम्ब इसके ऊपर। चलिए खड़े हो गए ब्रॉन स्ट्रोमैन, नीचे गिर अब ब्रॉन स्ट्रोमैन। चलो इस टेबल के साथ भी लगा कर देखेंगे वैसे कि क्या होता है। 85% हो चुकी है हमारी पावर, बस अभी थोड़ी देर है। ये क्या हड्डी पड़ी हुई है भूतों वाली, चलो बहुत पीट लिया हड्डी से ब्रॉन स्ट्रोमैन को, अभी हमारी सिग्नेचर आ चुकी है। चलो सिग्नेचर दे दी, अब फिनिशर है, अभी बस एक फिनिशर का ही काम है ब्रॉन स्ट्रोमैन का, फिर लगता है ब्रॉन स्ट्रोमैन नॉकआउट हो जाएंगे। चलो चलो ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जा, अरे रिवर्स कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन ने। वैसे गाइस आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है रियल में कौन जीतेगा। मैं तो ब्रे वाइट की तरफ हूँ इसलिए मैंने ब्रे वाइट ही दिया। चले OMG आ जा। चलो मैं सोचा टेबल तोड़ने के लिए रहने देते हैं, अभी यहाँ पर लग ही गया तो मैंने सोचा OMG दे ही देते हैं, क्या टेबल तोड़ना। चलिए नॉकआउट हो गए ब्रॉन स्ट्रोमैन, तो चलिए ये मैच भी हमारा ख़त्म हो गया, अब चलते हैं अगले मैच की तरफ। सो गाइस अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे मैच की तरफ, जो होगा रे मिस्टीरियो वर्सेस मंडे नाइट मसाई सेथ रोलिंस। ये वैसे WWE वाले तो आई फॉर एन आई मैच करवाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी तो बनाई नहीं है 2K20, इसमें तो नहीं होगा आई फॉर आई मैच, तो इसमें हम लो ब्लो सेट कर दिया है मैंने रे मिस्टीरियो का, हम लो ब्लो दे सकते हैं मंडे नाइट मसाई को। तो चलिए मैच को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मैं रे मिस्टीरियो बनाऊँ, तो चलिए मैच शुरू हो चुका है। आजा सेथ, अरे सेथ ने आते के साथ रिवर्सल कर दिया और मुंह पर घूसा भी दे दिया। अरे घूसा दे के पिनफॉल करने लगे सेथ, इतनी जल्दी नहीं होगा सेथ पिनफॉल, पहले एनर्जी तो कम कर ले मेरी। चल आजा तेरी एनर्जी कम करता हूँ मैं। अरे फिर से रिवर्स कर दिया, दो बार रिवर्स कर दिया है सेथ ने। मुझे वैसे लो ब्लो देने के लिए पिटाना पड़ेगा अपना रे मिस्टीरियो, पहले मैं पूरी सेथ की एनर्जी कम कर देता हूँ। चलिए फ्रॉक स्प्लैश दे दिया, अरे रिवर्स कर दिया, पहला फ्रॉक स्प्लैश रिवर्स कर दिया सेथ ने, चॉप भी दे दिया और एक। मुझे थोड़ा पिटाना पड़ेगा वैसे लो ब्लो देने के लिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पिटाऊँगा मैं, सिग्नेचर फिनिशर तो नहीं खाऊंगा, आर्म स्मैक ही खाऊंगा अगर खाऊंगा। चलिए कुरिका कुरिका 619, चलो 619 हमने दे दिया, पहले सेथ की हम सारी एनर्जी ख़त्म कर देंगे फिर पिटाएंगे रे मिस्टीरियो को। चलिए इस बार मत रिवर्स कर देना सेथ फ्रॉक स्प्लैश। चलो सेथ की काफ़ी एनर्जी कम हो चुकी है, अभी एक फ्रॉक स्प्लैश और बचा है, ये भी दे ही देते हैं। अरे फिर से रिवर्स कर दिया,
नहीं गाइस, अभी एक फ्रॉस्ट स्प्लैश है हमारे पास, सिग्नेचर मत देना, पीछे हो जा। फिर से रिवर्स कर दिया, सेथ बहुत रिवर्स कर रहा है यार। चलिए हमने भी रिवर्स कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अगर रिवर्स कर रहा है इसी बहाने हमारी एबिलिटी भी फुल हो रही है, यानी लो ब्लो। चल सेथ, सेथ की रेजिलेंसी भी आने वाली है। अरे नहीं, सेथ ने यूज कर ली, इंस्टेंट लगा ली उसने। क्या करने जा रहा है, टॉप रोप वाला मूव, ये तो नहीं मारने दूंगा, और कुछ कर ले ये नहीं करने दूंगा, और फिनिशर और सिग्नेचर भी नहीं डालने दूंगा। चलिए थोड़ी सी लो ब्लो हमारी फुल हो गई है, और सेथ स्टाइल मार रहा है एक घूसा मारकर, बस थोड़ी सी एबिलिटी बाकी है, जल्दी से फुल हो जा। चलो आधी लो एबिलिटी फुल हो गई है हमारी लो ब्लो वाली, अब क्या करने जा रहे हैं सेथ। चलिए चेयर लेकर आ गए, अब बस दो शॉट दे दें चेयर की, फिर एबिलिटी फुल हो जाएगी। एक शॉट दे दिया, एक और, चलिए एबिलिटी फुल हो गई है, अब नहीं पिटाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं सेथ, हमारी तरफ की देखी जा रहे हैं। गाइस लगता है सेथ पागल हो चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे। चलो ठीक हो गए फिर से, ये पता नहीं इन बॉटों को क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही बस देखने लगते हैं। सेथ को खड़ा करते हैं, फिर एबिलिटी फुल कर देंगे अपनी। चलो एबिलिटी लग जा जल्दी, चलो एबिलिटी लग चुकी है, अब जल्दी से लो ब्लो दे दिया सेथ को। लो ब्लो देने के बाद तो कोई चांस ही नहीं रहता बचने का, उसके बाद हमारा जीतना पक्का है। चलिए अब कर ले सेथ रिवर्स, एक और फ्रॉक स्प्लैश बचा है, फिर जल्दी से मैच को ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस बार हम चार्ज लगाएंगे दूसरा वाला, क्योंकि फ्रॉक स्प्लैश हमने दूसरी तो पूरे मैच में लगा ही दी है, ये एक भी नहीं लगाई। चलो फंसा के 1 2 3 जीत गए, 1 2 3, चलो ये मैच भी हम जीत गए। रीप्ले अच्छे से दिखाना बस, ये मैच हम जीत चुके हैं। ये क्या घटिया सा रिप्ले दिखा रहे हैं, अच्छा रिप्ले दिखाओ। हाँ ये अच्छा है, 619 फ्रॉक स्प्लैश वाला रिप्ले भी आ गया। अरे रिवर्स करने वाला दिखा दिया इन्होंने, सेथ का भी आ गया। चलो अभी ये मैच तो खैर ख़त्म हो चुका है, अभी बढ़ते हैं हम अगली मैच की तरफ। अरे ये कौन आ गया, बोर्ड लास आ गया, अब बोर्ड लास मारेंगे लगता है, लेकिन नहीं मारने देंगे। चलो रिवर्स कर दिया, पीछे हो जा बोर्ड लास, आ जा अब। अरे रिवर्स कर दिया बोर्ड लास ने, अरे यार मेरा माइनस में चलने लगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब मैं थोड़ी देर तक रिवर्स नहीं कर सकता, अब बहुत मारेंगे बोर्ड लास। ये क्या DDT जैसे स्मैक दे दी कोई, अब बस हो गया माइनस खत्म। अब बोर्ड लास को बताते हैं, अब नहीं मार दे दूंगा, पीछे हट जा। चलो 619 आ गई, कुरीका 619। चलो 619 दे दी हमने, अब जल्दी से टॉप रोप के ऊपर जाते हैं, फिर फ्रॉग स्प्लैश लगा देंगे। चलो फ्रॉग स्प्लैश, तो चलो दोस्तों ये मैच अभी ख़त्म हो गया, अब चलते हैं हम अपने अगले मैच की तरफ। सो गाइस अब हम आ गए हैं अपने फाइनली चौथे मैच की तरफ, जो है शाशा बैंक्स वर्सेस आस्का। वैसे दोस्तों आपको मैंने शुरू शुरू में कहा था कि मुझसे जितनी कोशिश होगी मैं उतने मैच करूँगा, तो गाइस ऐसे करते करते हम अपने चौथे मैच की तरफ आ गए हैं। तो बस दोस्तों ये लास्ट मैच है, अब इससे ज़्यादा और मैं नहीं बना सकता, क्योंकि फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होती है ना। तो चलिए मैच को शुरू करते हैं। सो गाइस मैच शुरू हो चुका है, चलिए। अरे आस्का, अभी मैं आर क्यू देने जा रहा था, लेकिन शाशा बैंक्स ने रिवर्स कर दिया। वैसे दोस्तों मुझे फीमेल की फिनिशर्स और सिग्नेचर्स के नाम नहीं पता कि क्या क्या है। आस्का ने रिवर्स कर दिया अभी फिनिशर, मैं इतनी फीमेल लेता नहीं हूँ ना इसलिए।
मैं ज़्यादा मेल्स ही लेता हूँ। तो ये तो पेपर व्यू के लिए मैंने लई है आस्का, वैसे मैं नहीं लेता फीमेल। चलिए आस्का ने हमें कॉर्नर में लगा दिया, ओ सॉरी शाशा बैंक्स में। चलो हमने फिनिशर दे दिया, अच्छा सबमिशन वाला फिनिशर है आस्का का। चलिए सबमिट नहीं करवाना था, बस एनर्जी ही कम करनी थी शाशा बैंक्स की। चलो अभी जल्दी से बाहर जाकर कमेंट्री टेबल सेट करते हैं, कमेंट्री टेबल तोड़ेंगे आस्का। ओ यार पता नहीं बार बार मुंह से आस्का क्यों निकल रहा है, शाशा बैंक्स कहना था, कहना चाहता हूँ मैं। शाशा बैंक्स के ऊपर टेबल तोड़ेंगे। चलो अब जल्दी से पहले स्टिंग का हथियार निकाल कर एनर्जी कम करते हैं पहले शाशा बैंक्स की। एनर्जी कम करने के लिए सबसे बढ़िया स्टिंग का हथियार ही है, क्योंकि इससे एनर्जी बहुत कम हो जाती है, एक शॉट और एनर्जी आधी हो जाएगी इससे। अरे शाशा बैंक्स ने हम पर ही मार दिया स्टिंग का हथियार। क्या कर रही है अभी शाशा बैंक्स, पिनफॉल, रेफरी तो नीचे गिरा हुआ है। अरे देखो रेफरी कौन से कपड़े पहन कर आया है, ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट, शादी में आ रखा है क्या रेफरी? मुझे लगता है रेफरी शादी में आया है, देखो तो कैसे ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन कर आया है। ये क्या कर रही हैं शाशा बैंक्स, कभी अंदर कभी बाहर, वो देखो क्या कर रही हैं। इधर आ जा शाशा बैंक्स, बहुत अंदर बाहर कर लिया आपने। चलो अब स्टिंग का हथियार मारेंगे, हम पर मार दिया, ये ले अब खुद भी खा। चलो मैंने आस्था की अभी तक सिग्नेचर नहीं देखी, बस सिग्नेचर लेकर आनी थी, फिनिशर तो अपने आप आ जाएगी जब हम सिग्नेचर दे देंगे। चलो सिग्नेचर देते हैं सबसे पहले, चलो सिग्नेचर दे दी। अच्छा ये सिग्नेचर है आस्का की, अच्छी है सिग्नेचर, मुझे अच्छी लगी। चलो आ जा शाशा बैंक्स नीचे, अभी तेरे ऊपर कमेंट्री टेबल भी तोड़ना है, जल्दी जल्दी नीचे आ। अरे मेरे ऊपर ना टूट जाए कमेंट्री टेबल, नहीं रिवर्स कर दिया। चलो अब कमेंट्री टेबल तोड़ते हैं, बस शाशा बैंक्स रिवर्स ना कर दें, वो दिक्कत हो जाएगी बस। चलो आस्का भी रेमी स्टीरियो जैसे टेबल तोड़ते हैं, रेमी स्टीरियो भी ऐसे ही तोड़ता है। चलो टेबल टूट गया शाशा बैंक्स के ऊपर, अब शाशा बैंक्स को रिंग के अंदर ले जाकर पिनफॉल करवा कर देखते हैं। चलो पिनफॉल रहने देते हैं, अभी फिनिशर है हमारे पास, एक फिनिशर दे देते हैं पहले, फिनिशर देकर फिर सबमिट करवा देंगे शाशा बैंक्स से। चलो रेजिलेंस, अच्छा रेजिलेंस ठीक है शाशा बैंक्स के पास, रेजिलेंस यूज़ कर लिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। ये क्या करने जा रही थी शाशा बैंक्स, चलो हमारी सिग्नेचर भी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। चलो सिग्नेचर आ गई हमारी, अब बस जल्दी से एनर्जी आ जा। अरे ये कैसा स्टाइल है आस्का का, चलो एनर्जी आ गई। चलो अभी सिग्नेचर से ही हम पिनफॉल करवा देंगे, पिनफॉल 1 2 3। चलो आज के पेपर व्यू मैचेस बस यहीं ख़त्म होते हैं, बहुत पेपर व्यू मैचेस कर ले आज हमने, मैंने आपको 2 बोला था लेकिन ऐसे करते करते हमने 4 पेपर व्यू मैचेस कंप्लीट कर ले हैं। चलो ये अच्छा था रिप्ले। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो, दोस्तों बहुत मेहनत लगी इस पर, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।